हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने नाम का स्टाइलिश डिजाइन बना सकते हो अलग अलग स्टाइल में पिक्सल लैब से, और फिर उसके बाद आप इन स्टाइलिश नेम की फोटो को वीडियो में कन्वर्ट करके इंस्टाग्राम रील्स पे अपलोड भी कर सकते हो जिनमें मिलियंस में लाइक्स आते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टाइलिश नेम डिजाइन हम बनाने वाले हैं पिक्सल लैब में। तो सबसे पहले आप अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करना, एंड अगर आपके पास पिक्सल लैब ऐप नहीं है देन इसे आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके जस्ट आप इसे ओपन करना। कुछ इस तरह के इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। नाउ अब आप यहाँ पे कैंसिल वगैरह कर सकते हो। कैंसिल करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। देन सबसे पहले ना इसका जो ये जो साइज है या फिर रेशियो है उसे आप सही कर लो। तो उसके लिए जस्ट आप यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके इमेज साइज को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसे सेलेक्ट करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें कि आप यहाँ पे कस्टम के ऊपर क्लिक करना, और यहाँ क्लिक करो तो आपको एक यूट्यूब थंबनेल का ऑप्शन मिलेगा। इसे सेलेक्ट कर लेना, काफी सारे रेशियो हैं बट ये सही रहेगा, ठीक है। देन यहाँ पे जस्ट आप इसे डन करना। डन करोगे तो आप देख सकते हो जस्ट ये साइज इसका सही हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद आप ये जो बैकग्राउंड है ना उसे भी आप यहाँ पे मतलब चेंज कर लो, ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए ये वाला आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना। फिर यहाँ पे आपको एक कलर का ऑप्शन दिखेगा, कलर के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से कलर से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप यहाँ कलर वाले सेक्शन में रहोगे तो काफी सारे आपको यहाँ पे कलर से देखने को मिलते हैं, बट ये सिर्फ सिंगल कलर रहते हैं जैसे कि आप यहाँ देख पारो, ठीक है। तो आप यहाँ पे जस्ट ग्रेडियंट को ऊपर आ जाना। ग्रेडियंट में आपको यहाँ पे डबल कलर, ट्रिपल कलर ये सब सारे मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पे मैनुअली मतलब कि अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो जैसा भी आपको कलर चाहिए होगा। तो जस्ट आप यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक कर लेना, एंड इनमें से ये जो है ना ये वाला इसे सेलेक्ट करना। फिर यहाँ पे जस्ट आप देख सकते हो दो कलर है, ठीक है, ये दो। तो इनमें से किसी एक के ऊपर क्लिक करके जस्ट कलर के ऊपर क्लिक करना, और यहाँ से ये जो ब्लैक कलर है इसे सेलेक्ट करना, ठीक है। देन डन करना, एंड सेकेंड वाले के ऊपर के यहाँ पे जो ब्लैक है ब्लैक में ही थोड़ा सा मतलब व्हाइट रखना है, मतलब ब्लैक से थोड़ा व्हाइट के साइड रख के जस्ट डन करना है, ठीक है। तो कुछ ऐसा आप देख सकते हो बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर क्लिक करे तो सेंटर में चला गया, देन डन कर देना। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा जो है हमारा बैकग्राउंड बन के रेडी हो चुका है। ओके, बैकग्राउंड बन गया। अब यहाँ पे अपना नाम को जस्ट लिखना होगा। तो ये जो आपको न्यू टेक्स्ट दिख रहा है इसी के ऊपर आप डबल क्लिक कर दो तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। फिर से आप जस्ट यहाँ से इरेज करके अपना नेम आप यहाँ पे लिख देना। और हाँ, आप जो नेम लिखोगे ना उसे जस्ट हिंदी में लिखना, मतलब इंग्लिश में लिखते हो तो आपको कीबोर्ड में ही यहाँ पे आ जाता है, देख पा रहे हो हिंदी। तो जस्ट इसे सेलेक्ट कर लेना, हिंदी में ये कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जस्ट आप यहाँ पे डन कर देना, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख के आ चुका। अब उसके बाद जस्ट आपको इसका मतलब डिज़ाइन बदलने के लिए या फिर स्टाइलिश डिज़ाइन बनाने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा। आप स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर एक फॉन्ट का ऑप्शन दिखेगा, फॉन्ट के ऊपर क्लिक करना। फॉन्ट के ऊपर क्लिक करोगे देन आपको जस्ट माई फॉन्ट वाले सेक्शन के ऊपर आ जाना है, ठीक है। माई फॉन्ट वाले सेक्शन के ऊपर आओगे देन आपको यहाँ पे कुछ अच्छे से स्टाइलिश वाले हिंदी फॉन्ट को जस्ट ऐड कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ फॉन्ट को ऐड करके रखा हुआ है, ठीक है। और जितने भी मेरे पास स्टाइलिश हिंदी फॉन्ट है उन सभी का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जस्ट उन्हें सेव कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं आपको वीडियो के लास्ट में ये भी बता दूंगा कि कहाँ से आप स्टाइलिश हिंदी फॉन्ट्स को डाउनलोड यानी कि सेव कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट डिस्क्रिप्शन से या फिर जो मैं बताऊँगा वहाँ से सेव कर लेना। देन अपने पिक्सल लैब में आपको ऐड करना होगा, तो ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे एक प्लस का बटन दिखता है, इसके ऊपर आप क्लिक करना, ठीक है। यहाँ क्लिक करने के बाद जस्ट आपको उस फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेना होगा, जैसे कि ये वाला एक फॉन्ट है। तो यहाँ पे आके जस्ट ऐड के ऊपर क्लिक करना, आपका जो फॉन्ट है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। मेरा ऑलरेडी ये वाला एडेड था तो आप देख सकते हो है, ठीक है। मतलब इस तरीके से फॉन्ट यहाँ आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। फॉन्ट ऐड हो जाने के बाद इनमें से जो आपको डिजाइन पसंद है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक आप देख पाओ यहाँ पे काफी सारे डिजाइन है, जो सही लगे उसे सेलेक्ट करके जस्ट ओके करना। आप यहाँ पे देख सकते हो हमने डिजाइन को सेलेक्ट किया, लेकिन यहाँ पे ये डिजाइन आया ही नहीं हमारे टेक्स्ट में, देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये जो है ना ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सबको ही फेस करते हैं, सभी के डिवाइस में ये प्रॉब्लम आता है। तो इस प्रॉब्लम को सबसे पहले हमें सॉल्व करना होगा, ओके। तो इसे सॉल्व करने के लिए जस्ट आप अपने पिक्सल लैब को मिनिमाइज कर लो, एंड जस्ट आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाता है, ये वाला, ठीक है, इंडिया फॉन्ट कन्वर्टर, ओके। तो जस्ट आप गूगल प्ले स्टोर पर जाना, एंड यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक करके जस्ट आप लिखना इंडिया फॉन्ट कन्वर्टर, वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ओके। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो।
अब इसके ऊपर क्लिक करके जस्ट आप यहां से इसे इंस्टॉल कर लेना। तो इंस्टॉल कर लेने के बाद इसे आपको ओपन करना है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहां पे ना आपको काफ़ी सारे कन्वर्टर मिलते हैं, बट इनमें से आपको ये जो ये वाला कन्वर्टर है ना, AMS इंडिया फॉन्ट, हाँ ये वाला आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, थर्ड नंबर वाला। तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, आपके सामने मे बी ऐड आए, मे बी क्या ऐड आता ही है क्योंकि ये बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है, कोई पैसा वगैरह नहीं मांगता है, तो ऐड दिखाएगा, ठीक है। ऐड को स्किप करके जस्ट कट कर देना। देन यहाँ पे आपको जस्ट अपना नेम को लिख देना है, जैसे कि हम अभिषेक नेम का बना रहे हैं, तो जस्ट यहाँ पे अभिषेक लिख देंगे, ठीक है, और वो हिंदी में लिखना होगा आपको, ओके। हिंदी में आप यहाँ पे लिख दोगे, देन उसके बाद आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देना है, ओके। यहाँ क्लिक करोगे तो ये कन्वर्ट करेगा, और यहाँ क्लिक करोगे तो उस समय भी एक ऐड आएगा, तो ऐड को जस्ट स्किप करना है, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, स्किप हमने कर दिया। तो आप देख सकते हो जस्ट यहाँ पे वो चीज़ आ चुका है, ठीक है, मतलब कि जो हमने अभिषेक लिखा तो वो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, अभिषेक आ गया है, ठीक है। अब आपको जस्ट यहाँ पे ये जो कॉपी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना, तो ये कॉपी हो जाएगा, ओके, कॉपी हो गया। अब आप क्या करो, अपना पिक्सल लैब को ओपन करो, एंड जो पहले से आपने अभिषेक लिख के रखा है, यहाँ पे एडिट के ऊपर आके या फिर इसी के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। जस्ट इसे आप इरेज कर देना, ठीक है। इरेज करने के बाद जो अभी आपने कॉपी किया है ना, उसे आप यहाँ पेस्ट करना। और हाँ, ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जो अभी आपने कॉपी किया है ना, वो कुछ इस तरीके से रहेगा, मतलब उसका कोई सेंस ही नहीं बनेगा। जैसे कि आप यहां देख सकते हो अभिषेक को इसने क्या लिखा है, ठीक है, मतलब कुछ भी लिख दिया, तो इसका कोई सेंस बनेगा नहीं, बट फिर भी आपको इसी को लिखना है, ठीक है, इसी को लिखना, एंड यहां पे जस्ट ओके करना। ओके करोगे देन आप यहां देख सकते हो अभिषेक लिख के यहां आ चुका, मतलब कि जो हमने वहां पे कॉपी किया था ना, उसका भले सेंस बने या ना बने, लेकिन आपको रिजल्ट यहां पे बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा, ठीक है। देन अब आप यहां पे इसका डिजाइन वगैरह जैसा चाहो वैसा रख सकते हो, जैसे कि ये वाला देख पा रहे हो, सभी में चेंज ये हो रहा है, ठीक है। तो इनमें से मुझे ये सही लग रहा है, सो मैं इसे को रख लेता हूँ, और यहाँ पे इसमें थोड़ा सा और स्पेसिंग दे देते हैं, देन डन करते हैं। तो आप देख सकते हो बिल्कुल सही यहाँ पे हमारा अभिषेक लिख के आ चुका है, ठीक है। इसका डिज़ाइन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बदलना चाहता हूँ, तो जस्ट फॉन्ट के ऊपर जाके इस बार ये वाला डिज़ाइन मुझे ज़्यादा सही लग रहा है, तो इसे रख लेते हैं, ठीक है। आपको जो सही लगे रख लेना, फिर इसका साइज वगैरह इंक्रीज करके अच्छे से जस्ट आपको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो चुका। अब उसके बाद जस्ट इसका जो कलर है उसे आपको चेंज करना होगा, तो इसके ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा स्क्रॉल करना, आपको यहाँ पर एक कलर का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके जस्ट ग्रेडियंट में आप आ जाना, और कुछ इस तरह का कलर आपको सेलेक्ट करना, मतलब कि जिसमें तीन कलर होते हैं ना, हाँ वो आप सेलेक्ट करना, और ये जो तीन कलर होते हैं वो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बना बनाया हुआ नहीं मिलेगा, तो बनाना काफ़ी आसान होता है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जस्ट आपको यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करना होगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे देन ये जो स्टार्टिंग वाला आपको डिजाइन मिल रहा है इसे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद प्लस का बटन दिखेगा, यहाँ आपको क्लिक करना है, तो इसमें आप देख सकते हो तीन जस्ट आपको यहाँ पे मतलब कि कलर का बॉक्स मिल जाएगा, ठीक है, जिनमें कि आपको कलर भरना पड़ेगा। तो जस्ट यहाँ पे कलर के ऊपर क्लिक करना, एंड सबसे पहले आप रेड रख लेना, फिर उसके बाद आप यहाँ पे येल्लो रख सकते हो या फिर ग्रीन रख सकते हो, दोनों में से किसी को भी रख लेना। फिर उसके बाद जस्ट थर्ड वाले में ब्लू डाल देना, ठीक है, या फिर जो भी आपको कलर पसंद आए तो उसे रख सकते हो। फिर यहाँ पे इन सभी को थोड़ा नज़दीक लेके आ जाना कुछ इस तरीके से, देन आप यहाँ डन करना, ठीक है, देन डन कर दो पूरे तरीके से। तो आप देख सकते हो कलर चेंज हो गया, और ग्रीन ज़्यादा है इसमें, तो उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बदल देता हूँ ग्रीन कलर को येल्लो के साइड में, और इसे थोड़ा नज़दीक और कर लेते हैं, देन डन करते हैं। तो देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे मतलब कलर आ गया, मुझे अच्छा लग रहा है, आप भी इस तरीके से बना लेना, ठीक है। अब इसके ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा स्क्रॉल करना, एंड यहाँ पे जस्ट आप शैडो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसे इनेबल कर लेना, और इसका ये जो ब्लर रेडियस है इसे कम करके जस्ट ये जो इनेबल है इसे इनेबल कर लेना है, ठीक है, जो डिसेबल उसे इनेबल करना है। फिर यहाँ पे आपको एक्स को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, फिर यहाँ पे वाई को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, जितना अच्छा लगे उतना करना, फिर डन कर देना, ठीक है। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा ये बन के रेडी हो चुका, ठीक है। अब इसका साइज वगैरह आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो। नाउ अब इसमें हमें जस्ट डिजाइंस को ऐड करना होगा, तो डिजाइंस को ऐड करने के लिए आप यहाँ पे जो थर्ड नंबर वाला ऑप्शन है इसको पर क्लिक करना, एंड हाँ एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली बात है, बैकग्राउंड में कुछ भी एडिटिंग करना हो तो ये फोर्थ नंबर पे आपको आना होगा, एंड उसके बाद अगर आप टेक्स्ट में कोई भी एडिटिंग करना चाहते हो तो ये जो आपको ए का ऑप्शन देखने को मिल रहा है इसमें आपको आना होगा, तब जाके आप ये सब चीज़ें को आपको यहाँ मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, और यहाँ पे कुछ भी इमेज वगैरह ऐड करना हो तो इसके ऊपर क्लिक करना, फिर इम्पोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जस्ट आप यहाँ से जो भी इमेज इसमें ऐड करना चाहते हो डिज़ाइन वगैरह उसे सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड इसे डन करते तो देख सकते हो ये डिज़ाइन यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है। ऐड होने के बाद जस्ट इसका साइज़ वगैरह इंक्रीज़ करके देन
यहाँ से कलर के ऊपर जाके जो कलर रखना चाहो उसे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे येलो को रख लेता हूँ, फिर यहाँ डन कर सकते हो। देन इसका साइज वगैरह जैसा आप रखना चाहो वैसा आप यहाँ पे रख देना। फिर दूसरा डिज़ाइन ऐड करने के लिए इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना, फिर से आप यहाँ पे दूसरा डिज़ाइन को सेलेक्ट करना। और जितने भी डिज़ाइन मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इन सभी का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इन्हें सेव कर सकते हो। और फिर जैसा आपको कलर्स इनके अच्छे लगेंगे उस तरीके से आप यहाँ पर रखना। देन उसके बाद डन करके जस्ट जहां आपके मतलब नेम के हिसाब से ये डिजाइन अच्छे लगेंगे जस्ट वहां पे इन्हें आप अरेंज कर देना, ठीक है। सिमिलर वे में मैं यहां पे एक और डिजाइन को ऐड करता हूं, ये वाला, और इसे डन करते हैं। और हाँ, ये सारे डिजाइन का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, तो आप वहाँ से इन्हें जस्ट सेव कर सकते हो। फिर यहाँ पर जस्ट आपको अपने अकॉर्डिंग इन्हें अच्छे से एडजस्ट करना है, कलर वगैरह चेंज कर लेना है। ओके, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत आप यहाँ पे डिज़ाइंस को डाल देना। फिर यहाँ पे टेक्स्ट की मदद से भी आप डिज़ाइन बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ए के ऊपर क्लिक करके टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना। फिर यहाँ पे आप कुछ इस तरह की चीज़ें ऐड कर सकते हो, आपके कीबोर्ड में ही ये वाला रहता है, तो इसे आप यहाँ पर ऐड करके जस्ट डन करना। फिर यहाँ पे साइज वगैरह डिक्रीज करके इसे अच्छे से एडजस्ट करके कलर के ऊपर जाके कलर सेलेक्ट कर लेना और इन दोनों को इस तरीके से मिला देना, तो कुछ ऐसा आपके सामने एक डिज़ाइन बन जाएगा। इसे थोड़ा यहाँ पर रोटेट करते हैं, क्रॉप के ऊपर जाके इसे ऐसा कर देना, ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। फिर से अच्छे से यहाँ एडजस्ट कर लेना है। ओके, तो आप यहां देख सकते हो कुछ इस तरीके का हमारा डिज़ाइन बन चुका। और भी चीज़ अगर ऐड करना चाहो तो फिर से टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना, एंड इस बार ना मैं आपको एक और डिज़ाइन देता हूं, ये वाला, ये आप ऐड करो, मतलब कि इस तरीके जो ब्रैकेट है उसे ऐड करना, फिर ओके करना। देन यहां पे फॉन्ट के ऊपर जाके एक दूसरा फॉन्ट आपको सेलेक्ट करना है, वो फॉन्ट है ये वाला, हेलो पिंकी, ठीक है। इस फॉन्ट का भी लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जस्ट इसे सेव कर लेना। फिर ओके करोगे तो कुछ ऐसा इसका डिज़ाइन बन जाएगा, ठीक है। देन इसे आप यहाँ पर रोटेट करके जैसा साइज वगैरह इंक्रीज करना चाहो कर लेना। फिर यहाँ पे इसका कलर को चेंज करके जस्ट एडजस्ट कर देना। ओके, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जल्दबाजी में आपको जस्ट सारे चीज़ें करके दिखा रहा हूँ, आपको जैसा सही लगे जैसा कलर वगैरह उस तरीके से जस्ट आप इसे बनाना, ठीक है, जैसे कि मैंने इसे बनाया। फिर यहाँ पे शैडो एंड ओके, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का ये बन गया है। बस इन्हें अच्छे से एडजस्ट कर देने से ये काफ़ी बेटर हो जाएगा, लाइक आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे बना लेना। इसे सेव करने के लिए जस्ट आपको यहाँ क्लिक करना है, फिर कस्टम के ऊपर क्लिक करके अल्ट्रा सेलेक्ट करके सेव टू गैलरी, इसको ऊपर क्लिक कर देना, आपके गैलरी में ये सेव हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। अब अगर आपको फॉन्ट इंस्टॉल करना हो, मतलब सेव या फिर डाउनलोड, तो गूगल में आना एंड यहाँ पे जस्ट आप हिंदी स्टाइलिश फॉन्ट या फिर स्टाइलिश हिंदी फॉन्ट इस तरह का चीजों को लिख के जस्ट सर्च कर सकते हो। सर्च करोगे ये स्टार्टिंग में ही इंडिया फॉन्ट का वेबसाइट आएगा, इसी को यूज करना, ठीक है। इसी वेबसाइट में जस्ट आप एंटर हो जाना, यहाँ एंटर हो गए तो बहुत सारे आपको फॉन्ट मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको ये मिल जा रहा है, फिर ऐसा फॉन्ट मिल जा रहा है, बहुत सारे हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ओके, तो इनमें से जो भी पसंद है, मान लो आपको ये मधुर पसंद आ रहा है, मधुरिमा, तो इसके ऊपर क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करोगे फिर यहाँ ये ओपन हो जाएगा। देन थोड़ा नीचे आपको जाना होगा, नीचे आप जाओगे तो आपको यहाँ पे ये सब हटा देना, मतलब अगर आए तो, ठीक है। नीचे आप जस्ट आते जाना एंड यहाँ पे आपको ये वाला एक ऑप्शन मिलेगा, मतलब फॉन्ट का नाम दिखेगा, तो इसके ऊपर क्लिक करना, नया पेज ओपन होगा, एड वगैरह है तो इसे कट कर देना, ठीक है। देन यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना, ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, देख पा रहे हो। तो डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना, डाउनलोड हो गया। अब जस्ट आप अपने फाइल मैनेजर को ओपन करना और यहाँ पे स्टोरेज के ऊपर जाके डाउनलोड में जाना, और जो भी आपने ये वाला फॉन्ट डाउनलोड किया इसके ऊपर क्लिक करके जस्ट आप इसे एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करना, अपने डिवाइस को सेलेक्ट करके एक्सट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। एक्सट्रैक्ट हो गया, अब आप देख सकते हो यहाँ फॉन्ट आपको मिल गया, ठीक है। अब इसी फॉन्ट को आप जस्ट पिक्सल में ऐड करके फिर इस टाइप का जो डिजाइन वगैरह है उसे आप बना सकते हो। ओके, देन इसी टाइप के इमेज को जस्ट वीडियो में कन्वर्ट करके आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करके अच्छे खासे व्यूज वगैरह भी जस्ट गेन कर सकते हो, ठीक है। मतलब इस टाइप के वीडियो जो होते हैं ना काफ़ी वायरल होते हैं नेम वाले, मतलब कि जितने भी लोग अभिषेक नाम के होंगे या फिर अभिषेक के जो भी फ्रेंड सर्कल वगैरह होगा वो सारे शेयर वगैरह करेंगे आपकी वीडियो, ठीक है। तो आपकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि वायरल हो जाए। ओके, तो आज की इस वीडियो पर इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो।